मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी प्रशासन स्तर पर सिम्स की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। आईएएस आर प्रसन्ना सिम्स के ओएसडी नियुक्त किए गए हैं। वही शुक्रवार की शाम सिम्स पहुंचे हैं, फिर तत्काल सभी विभागों के अधिकारियों को तलब कर उनकी बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली नजर में भी यहां खामियां नजर आ रही हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। हर हाल में 15 दिन के अंदर अव्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रकंडा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसानों को खेती करने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसानों को नई नई विधियों के बारे में जानकारी देकर प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में बताया जाए। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ प्राकृतिक खेती की मांग बढ़ते जा रहे हैं। उक्त अभियान को डॉक्टर आर के एस तिवारी के मार्गदर्शन पर किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की एकमात्र कोंटा विधानसभा, जहां पहला मतदान दल हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुका है। सुबह करीब 8:30 बजे सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। हेलीपैड में CRPF DIG अरविंद राय और कलेक्ट्रेट हरीश एस, साथी SP किरण चौहान पहुंचे हुए हैं। शनिवार सुबह 4 बजे जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निकल कॉलेज से चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। मतदान कर्मियों को सुबह मतपेटी आवंटित किए गए हैं, उसके बाद बसों के माध्यम से पुलिस लाइन हेलीपैड लाया गया, जो सुबह करीब 8:30 बजे सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्र में भेजा गया। दिल्ली से पहले पुष्य नक्षत्र के साथ ही खरीदारी का शुभ सप्ताह शनिवार से शुरू हो रहा है, और ऐसे में इसे लेकर के बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। सराफा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा सहित पूरे बाजार में अब ऑफरों की बौछार देखने को मिल रही है। इस वर्ष ऑटोमोबाइल की रफ्तार पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा रहने वाली है। शुभ दिनों के लिए ऑटोमोबाइल संस्थानों में जबरदस्त बुकिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।